फर्स्ट क्लास सब्जी तैयार है मेरी। बढ़िया। हाँ हाँ आए हाय देख। हाँ 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 क्या खिला खिला चावल एकदम मज़ेदार। और ये इसकी खास बात है, खुशबूदार बनेगी और मज़ेदार बनेगी। गारंटी कह रहा हूँ बाहर खाना छोड़ दोगे वेज बिरयानी। पर आज मैं दिखाने वाला हूँ उन लोगों को कि भैया वेज बिरयानी भी होती है, क्योंकि मेरी बीवी वेज है तो उसके। तो भाई आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ भाई वेज बिरयानी। और भाई वेज बिरयानी के अंदर वेज लेग पीस भी है। आज बहुत सारी वेजिटेबल्स डालने वाला हूँ, मज़ेदार ऐसी बिरयानी बनेगी कि आप बोलोगे यार मज़ा आ गया। तो सबसे पहले भाई bhaikharibawli.com का थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स जो उनसे है ना मेन, वो इसके अंदर डलते हैं बिरयानी के अंदर। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, साथ में इसके बादाम। अब ड्राई फ्रूट का वो देख रहे हो, साइज़ देख रहे हो काजू का, और ये देख बादाम, इनको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे हल्का सा। बिरयानी के अंदर जब ये डलेगा ना, इसका क्रंच जो आएगा बस उसी की तो बढ़िया बात है। और क्या है तो भाई मंगवा लिया मैंने सामान थोड़ा सा और, क्योंकि मेरा सामान ख़त्म हो जाता है और मेरा सामान लगता है बहुत ज़्यादा। पैकिंग इतनी बढ़िया डब्बे में आती है ना कि बस कोई भी डब्बा डैमेज नहीं होता। ये देखो काली मिर्च मंगवाई है मैंने, ये देखो स्टार नीज, मतलब आप जितनी क्वांटिटी बोलोगे ना आपको उस क्वांटिटी में मतलब 250 ग्राम 500 ग्राम जो भी है मिल जाएगा। ये देखो 250 ग्राम मोटी इलायची। और अगर बिरयानी बनानी है तो फिर भाई केसर, जी हाँ और एकदम बढ़िया कश्मीरी केसर है ये। एक चीज़ और है, हाँ क्या है ये पता है, शिलाजीत। पता है आपको क्या है, इसके इतने बेनिफिट्स हैं, वो इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि जो इम्यूनिटी सिस्टम को जो एक बूस्ट करता है ये, ठीक है, पावर बढ़ाने के काम आता है ये। आप इनकी वेबसाइट चेक करो जाके, आपको साइट पे वेबसाइट दिख रही होगी, वेबसाइट चेक करो, ऑर्डर करो और अपने घर पे मंगवाओ। पूरे दिल्ली NCR के अंदर डिलीवरी है, अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो तो एक दो दिन के अंदर आपके घर पे प्रोडक्ट मिल भी जाएगा। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी हम अपना, तेज पत्ता डालते हैं इसके अंदर। और देखो सारे के सारे जो मैं इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहा हूँ वो एकदम बढ़िया वाले हैं, क्योंकि अगर इंग्रेडिएंट अच्छे नहीं होंगे तो फिर आपका खाना भी अच्छा नहीं बनेगा, ये बात की तो गारंटी ले लो। ये स्टार अनीस डाल दिया मैंने इसके अंदर, थोड़ी सी मोटी इलायची आएगी, देखो सारा कुछ फ्रेश, थोड़ी सी मोटी इलायची आएगी, दो सिर्फ दो, क्योंकि जब राइस जब पकता है ना मोटी इलायची के अंदर जब वो अच्छे से पकेगा तो भाई टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और थोड़ी सी काली मिर्च, ये देखो एकदम बढ़िया दाने हैं और खुशबूदार, जैसे कहते हैं ना खुशबूदार वो है। और हमारा जीरा, मेन इम्पॉर्टेंट जीरा, जीरे की खुशबू देखता हूँ भाई, तो ऐसा लग रहा है जैसे शाही जीरा है। प्याज डाल दिया इसके अंदर मैंने फर्स्ट क्लास। और आज मैं दिखाने वाला हूँ उन लोगों को कि भैया वेज बिरयानी भी होती है, क्योंकि मेरी बीवी वेज है तो उसके लिए तो बनानी पड़ती है ना भाई। तो आज मैं बहुत बढ़िया बना रहा हूँ लार्ज क्वांटिटी में, ताकि सारे सारे इंजॉय करें, मन्नी भी इंजॉय करें, अभी भी जब तक कि हमारी बिरयानी बन रही है तब तक हम केसर को थोड़ा पानी में डाल के रखते हैं ताकि इसका फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो सके बढ़िया सा। तो क्या तगड़ी खुशबू आ रही है अभी, मज़ेदार। ये देखो भाई इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डलेगा बढ़िया सा। ये जो जगह है खारी बाउली, आपको पता है कि सारे के सारे मसाले वहीं से ही आते हैं, पूरे के पूरे इंडिया के अंदर, अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने भी हैं सारे मसाले वहीं से जाते हैं। तो वी ऑल्सो प्रेफर कि हम भी डायरेक्ट उनसे बाय करें, अब वहाँ जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए bhaikharibawli.com पे क्लिक करो, अपना ऑर्डर बुक करो और सीधा घर पे आ जाएगा एक दिन के अंदर। अब डलेगा जी इसके अंदर देगी मिर्च, ये स्पाइसी कम होती है कलर ज़्यादा छोड़ती है। और अब आएगा जी इसके अंदर टोमेटो प्यूरी जो हमने घर ही बनाई है, चार टमाटर की प्यूरी भी डाल दी इसके अंदर मैंने। अब इस टमाटर को बढ़िया से पकने देते हैं और इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट लग जाएंगे कम से कम, 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखो मैंने इसके अंदर जो है पिंक सॉल्ट डाला है, और ये डल गया जी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी उतना डालना चाहिए जितना आप लाल मिर्ची डालते हो, याद रखना है इस बात को, ठीक है जी। अब थोड़ी सी इसके अंदर हम डालेंगे जी हल्दी, और हल्दी भी हम यूज़ करेंगे bhaikharibawli.com।
भाई कोशिश पूरी रहती है कि भैया एकदम फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज़ हो ताकि खाने का जो टेस्ट है वो बरकरार रहे, बल्कि डबल हो जाए। बारी आ चुकी है कि इसके अंदर मैं अपनी वेजिटेबल्स डालूं, जो अभी हार्ड वेजिटेबल्स है ना, जैसे कि आलू है, आलू डाल देता हूँ सारे का सारा, ठीक है, शिमला मिर्च डाल देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि ना वेज बिरयानी है, अब इसके अंदर आप वो सारे इंग्रेडिएंट्स डालो जो आपको पसंद है एक्चुअली में। ये देखो शिमला मिर्च डाल दी मैंने, जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है आप वो डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं डाल रहा हूँ वही ज़रूरी है। अब ये देखो सोयाबीन की बढ़िया मैंने पानी में भिगो के रखी थी, तो ये भी जाएंगी इसके अंदर ही। ये इसकी ख़ास बात है, खुशबूदार बनेगी और मज़ेदार बनेगी। तो डिपेंड करता है, अगर आपके पास इंग्रेडिएंट बाय खारी बॉली .com का ही है तो आपका भी टेस्ट वैसे ही आएगा जैसा मेरा आएगा। रंगत देखो, इसके अंदर सिर्फ लाल मिर्ची डाली है, कलर सिर्फ लाल मिर्ची का है, और कलर देख लो आप सब्जी का एकदम लाल हो चुका बढ़िया सा। और ये है जी हमारा वेज लेग पीस, ये सॉस, ये लो भाई, ये भी डाल दी। और मैं इसके अंदर अब डालूँगा एक बढ़िया सा इंग्रेडिएंट जो मैं अपने हर खाने में डालता हूँ, जी हाँ, वो है जी एक बड़ा चम्मच देसी घी। और इसके अंदर मैं दो चम्मच डालने वाला हूँ, हाँ हाँ हाँ, एक चम्मच और दो चम्मच, इससे खुशबूदार खाना बनेगा बढ़िया। वैसे ही मसाले की इतनी तगड़ी खुशबू है, प्लस टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। और ये आएगा भाई इसके ऊपर ढक्कन कम से कम 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट इसको मैं धीमी आंच पे इसको पका रहा हूँ ताकि थोड़ी सब्जी पक जाए बढ़िया से, सब कुछ गल जाए मज़ेदार। अब ज़रा हाल देख लें गरम, ओए क्या बात है, एकदम बढ़िया मज़ेदार, ऑयल सेपरेट हो गया है, ये देख रहे हो, फर्स्ट क्लास सब्जी तैयार है मेरी, ऑलमोस्ट 70% गल चुका आलू। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू ऐड पनीर नाउ, ठीक है जी। ये आ गया जी मेरा 400 ग्राम पनीर, और मैंने पनीर लास्ट में इसलिए डाला है कि अगर पहले डाल देता ना तो ये पनीर की भुर्जी बन जाती। और इसको बढ़िया से एक मिक्स देते हैं। जब आप खारी बाय खारी बॉले .com से सामान खरीदते हो ना, अगर आप बल्क में खरीदोगे तो आप कंपेयर करना बाकी जगहों से, आपको अप टू 50% ऑफ के करीब पड़ेगा। क्योंकि पहली चीज़ ये है कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स की जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो ख़राब नहीं होंगे, तो इसीलिए बाय इन बल्क। ये देखो भाई सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है जी, पानी छोड़ दिया बढ़िया से, एक बार इसको मिक्स देंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या नज़ारे सब्जी के, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा दम पे पकेगा, बाकी 70% इस पर पका दिया है, ठीक है जी। तो आ जाओ ये देखो ये नज़ारे, लंबा लंबा राइस एकदम बढ़िया मज़ेदार। और मैं कह रहा हूँ बिरयानी ये वाली आपने ट्राई कर ली ना, गारंटी कह रहा हूँ बाहर खाना छोड़ दोगे वेज बिरयानी, जिस दिन आपने ये वाली बिरयानी ट्राई कर ली घर पे अपने। अब डालेंगे जी इसके ऊपर हम अपने बरिस्ता, जो कि हमने बढ़िया से फ्राई करे थे अनियन, और उसी ऑयल के अंदर मैंने सब्ज़ी बनाई है ताकि जो फ्लेवर्स है ना वो हमेशा बरकरार रहे। ये आ गए जी हमारे ड्राई फ्रूट्स, जो हमने इसको हल्का हल्का फ्राई कर लिया था, कंधारी किशमिश देख रहा है, ये देख तो लंबे लंबे दाने, इसके ऊपर थोड़ा सा हम घेर देते हैं, खट्टा मीठा, तो ये मीठा जीठा जो हल्का हल्का जो आता ना तो बिरयानी में मज़ा आएगा। अब केसर बढ़िया था, आ हा आए हाय। तो भाई अब हमारे को पता क्या करना है, अब हमारे को करना है इसको सील, इसको बढ़िया से सील करेंगे और इसको 10 से 15 मिनट, ओ गरम है, 10 से 15 मिनट हमारे को इसको ढकना है धीमी आंच पे एकदम। और याद रखा 15 मिनट बाद इसको बंद करना भी है। ये देखो भाई साहब बिरयानी हमारी बन चुकी है, वेज बिरयानी, ओह क्या बात है भाई, ये देख, हाँ जी अब बोलो है कि नहीं, चीज़ है कि नहीं है। अब हम डालेंगे प्लेट में और ये देख, हाँ हाँ हाँ, क्या खिला खिला चावल एकदम मज़ेदार,
ये देख रहा है खिला खिला। अरे भाई मज़ेदार खुशबूदार है एकदम, मज़ेदार खुशबू। इसको ट्राई करने के लिए थोड़ा सा डालते हैं प्लेट में। ये देख पूरा ऐसा लग रहा है जैसे हैदराबाद से लेकर आया हूँ मैं। और ये आलू खाए हुए ना, हैदराबाद की बिरयानी का आलू याद आ रहा है। तो भाई अब मेरे एक्सपेरिमेंट का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। वेजिटेरियन बीवी वेज बिरयानी होती है भाई, होती है। ऐसे कैसे दिख गई ना, जो इतनी बढ़िया खुशबू आई ना, कितने मस्त फ्लेवर्स है यार। मतलब भाई सारा काम ही फ्लेवर्स का है, खुशबू इतनी अच्छी है। और ऐसे लग रहा है कि केसर डाला है क्या आपने इसमें? केसर डाला तो वही वही बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है केसर की। और खड़े मसालों की भी है अच्छी खासी ना, मोटी इलायची है बढ़िया सी। मैंने भी खाया नहीं है ना, मैंने देखी है आपने कैसे बनाई, बट दूर से बता दिया इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। सो लेट मी टेक अ बाइट। थोड़ा गर्म है, वाओ है बढ़िया, बहुत स्वाद है। तो इधर दे दे फिर मेरे मुंह में पानी आ रहा है सीरियसली। वेज बिरयानी इतनी बढ़िया लग रही है देखने में कि सच में कह रहा हूँ मैं। मतलब अगर अभी आज काजू भी चिकन होता तो मैं ये ट्राई जरूर करता। और अनियंस भी हैं, हाँ सब कुछ है एकदम परफेक्ट है। आई एम टेलिंग यू गाइस दिस इज सो टेस्टी, शायद मैं कैमरे में से निकल के आपको बता सकती हूँ ये कितनी स्वाद है। बहुत बहुत बेहद। तो आप किस बात की वेट कर रहे हो, जल्दी से बाय करो बाय kharibawali.com और बल्क में खरीदना ताकि सस्ता पड़े। जी हाँ, और मिलते हैं आपको जल्दी से ऐसी एक बढ़िया सी रेसिपी लेके बहुत जल्दी।